सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के इनोवेशन सेल ने रिलीज़ किया आरिया 2021 थाउजेंड ट्वेंटी वन एरिया के फुलफॉर्म है अटल रैंकिंग ऑफ इनोवेशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट मतलब कितनी यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी कितना फोकस कर रही है इनोवेशन पे उस हिसाब से रैंकिंग की जाती है यूनिवर्सिटी की इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ़ एजुकेशन इंप्लीमेंट करता है ए आई सी टी ई एंड मिनिस्ट्रीज़ का इनोवेशन सेल फिर तो इनमें से कौन से पैरामीटर्स देखे जाते हैं तो बजट फंडिंग सपोर्ट कितना दे रहे हैं इनोवेशन के लिए फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है कि नहीं है अवेयरनेस प्रमोशन एंड सपोर्ट कितना दे रहा है आइडिया जनरेशन इनोवेशन को ऐसा है कि प्रमोट किया जाता है कि नहीं किया जाता है ऐसे लोगों को फिर प्रमोशन एंड सपोर्ट फॉर इंटरप्रीनियोरशिप डेवलपमेंट इनोवेशन लर्निंग एंड मैथड कोर्स इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड कमर्शलाइजेशन इनोवेशन इन गवर्नेंस इन इंस्टीट्यूशन तो कैटेगरीज में एक तो टेक्निकल एक नॉन टेक्निकल है टेक्निकल में टॉप थ्री कौन सी है सबसे टॉप क्या है मद्रास ने फर्स्ट रैंक ठीक है थर्ड टाइम से मद्रास आई टी मद्रास तीन साल से टॉप रैंक पे है फिर उसके बाद आई टी बॉम्बे फिर आई टी डेली आई टी मद्रद्रास वन फिर सेकंड आई टी बॉम्बे फिर आई टी डेली तो तीन आई टी ईजी टेक्निकल में है नॉन टेक्निकल में कौन है सो नॉन टेक्निकल में टॉप क्या है इग्नू ने इग्नू डेली देन आई आई एम दैट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोचिकोड तो इग्नू डेली एंड आई आई एम सो यहाँ पे आई आई एम कोजिकोड़ इन केरला